हे गाइस व्हाट्स अप। तो अगर आप किसी लड़की को मिनटों में अट्रैक्ट करना चाहते हो, उसे अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हो, तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए, क्योंकि आज मैं आपको 10 ऐसे तरीके बताने वाला हूँ जिससे आप किसी भी लड़की को मिनटों में अट्रैक्ट कर सकते हो। उससे पहले अगर आप लव डार्क की ये पहली वीडियो देख रहे हो तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि मैं खुद काला हूं और मैं वीडियो सिर्फ उन भाइयों के लिए बनाता हूं जो भाई काले या सांवले हैं, क्योंकि इस चैनल का मोटिव है कि मेरे तरह जितने भी काले या सांवले लड़के हैं वो अपना बेस्ट वर्जन बन सके। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज लाइक कर देना। नंबर वन, किसी भी लड़की को अट्रैक्ट करने के लिए आपको रेड कलर के टी शर्ट या फिर शर्ट पहनने होंगे, क्योंकि 2014 में एक स्टडी हुआ था जहां पर बहुत सारे लड़के को डिफरेंट कलर के कपड़े पहनाए गए थे। फिर लड़कियों को बुलाया गया था ये जानने के लिए कि वो किन लड़कों से जल्दी अट्रैक्ट हो रही है। फिर रिसर्च के बाद उन्हें मिला कि जिन जिन लड़कों ने रेड कलर के कपड़े पहने हुए थे उनसे लड़कियां मिनटों में अट्रैक्ट हो गई थी, क्योंकि रेड कलर इज अ सिंबल ऑफ लव एंड अट्रैक्शन। इसीलिए अपने कपड़ों के कलेक्शन में रेड कलर होना बहुत ही जरूरी है, पर इसे ओवर मत करना। किसी भी लड़की को अट्रैक्ट करने के चक्कर में रोज रेड कलर मत पहनना, वरना लड़की को लगेगा कि इसके पास और कोई कपड़ा ही नहीं है। और हाँ, रेड कलर के शर्ट या फिर टी शर्ट ही पहनना, रेड कलर के पैंट या फिर शूज मत पहनना, वरना जोकर लगोगे। और याद रखना, जब भी रेड कलर के कपड़े पहनना तो उसके साथ ब्लैक या फिर ब्लू कलर का जीन्स या फिर पैंट पहनना, क्योंकि हम जैसे काले या सांवले लड़कों के ऊपर ये अच्छा लगता है। नंबर टू, सीट लाइक अ बॉस, बॉस की तरह बैठा करो। मतलब जहां पर भी बैठो स्पेस लेकर बैठो, हाथ को खोल कर बैठो, पैर को खोल कर बैठो, क्योंकि ये एक लीडर की निशानी है और इससे पता चलता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस भरा पड़ा है, और लड़कियां कॉन्फिडेंट और लीडर टाइप के लड़कों से इंस्टेंट अट्रैक्ट होती है। नंबर थ्री, अपने दोस्तों के साथ रहा करो, उनके ग्रुप में रहकर हंसी मजाक किया करो, क्योंकि रिसर्च से ये पता चला है कि जो लड़के ग्रुप में रहते हैं, अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट करते हैं, वो लड़के लड़कियों की नजरों में अट्रैक्टिव होते हैं, और जो लड़के अकेले रहते हैं वो थोड़े कम अट्रैक्टिव लगते हैं लड़कियों को। और अगर आपके ग्रुप में ज्यादातर लड़कियां हैं तो ये तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, क्योंकि अगर कोई लड़की आपको देखेगी तो उसे लगेगा कि इससे लड़कियां दोस्ती करती है, मतलब इसमें कुछ बात तो है। नंबर फोर, स्लोली स्लोली स्माइल करना सीखो, क्योंकि जो लड़के चिल्लाकर आवाज कर हंसते हैं, लड़कियों को ऐसे लड़के बहुत ही चीप लगते हैं, और जो लड़के स्लोली स्लोली एक अंदाज के साथ स्माइल करते हैं उनसे लड़कियां तुरंत अट्रैक्ट होती है, क्योंकि इस टाइप की हंसी और स्माइल फ्लर्ट में यूज होती है। और अगर कोई लड़की किसी लड़के को देखती है और अगर वो लड़का उस लड़की की तरफ देखकर स्लोली स्लोली एक अंदाज के साथ स्माइल कर दे तो लड़की को लगता है कि इसके अंदर कॉन्फिडेंस भरा पड़ा है। इसीलिए जब भी लड़की देखे तो उसे घूरने की बजाय उसे देखकर स्माइल करना। नंबर फाइव, परफ्यूम लगाया करो, क्योंकि इससे आप अच्छे फील करोगे, और लड़कियां उन लड़कों से तुरंत अट्रैक्ट होती है जो लड़के अच्छे स्मेल करते हैं, और जो लड़के के बदन से बदबू आती है तो उनसे लड़कियां चिपकने के बजाय उनसे दूर भागती है। और आप एक चीज नोटिस करना कि जिस दिन आप अच्छा स्मेल करते हो तो उस दिन आप अच्छा फील करते हो, और जब जब आप अच्छा फील करोगे तब तब आप अच्छे दिखोगे। नंबर सिक्स, ज्यादा सेल्फी मत लिया करो, क्योंकि जब कोई लड़की किसी लड़के के इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक प्रोफाइल देखती है और उसमें अगर उसे उस लड़के की ज्यादातर सेल्फीज दिखती है तो लड़की को ये चीज बहुत ही अनअट्रैक्टिव लगती है, क्योंकि ये फैक्ट है, और ज्यादा सेल्फीज लेना लड़कियों का काम होता है। नंबर सेवन, किसी भी लड़की को मिनटों में अट्रैक्ट करने के लिए चलने का स्टाइल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपके वॉक करने के स्टाइल से ही पता चलता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो। और अगर आप अपने कंधे को झुकाकर चलते हो, फोन चलाते हुए चलते हो, लोगों से आई कॉन्टेक्ट नहीं करते हो, तो ये शो करती है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, और ये चीज लड़कियों को बहुत ही अनअट्रैक्टिव लगती है। इसीलिए जब भी चलो तो सीना और शोल्डर को उठा के चलो, लोगों से आई कॉन्टेक्ट करते हुए चलो। नंबर एट, अपना शूज कलेक्शन अच्छा रखो, क्योंकि जैसा पिछला वीडियो में मैंने बताया था कि आजकल लड़कियां लड़कों के शूज देखती है, और अगर आप अपने शूज पर ध्यान नहीं दोगे तो लड़कियां आप पर ध्यान नहीं देगी, क्योंकि आप खुद ही सोचो, जब लड़की आपकी फेस देखेगी तो वो सोचेगी कि वाव लड़का हैंडसम है, फिर जब वो आपके कपड़े देखेगी तो वो सोचेगी कि लड़के की ड्रेसिंग सेंस भी अच्छी है, फिर जब वो आपके शूज देखेगी तो उसके मुंह से यू निकलेगा। अगर आपने खराब जूते पहने होंगे तो, और उसी जूते की वजह से आपके आउटफिट की धजिया उड़ जाएगी। नंबर नाइन, आपके फ्रेंड्स आपको जितना भी चश्मिस बोले लेकिन आप ब्लैक फ्रेम रेगुलर ग्लासेस पहना करो। और आप मानो चाहे ना मानो, चश्मा पहनने से लड़का अट्रैक्टिव दिखता है, क्योंकि आप खुद ही बताओ, जब आप किसी सुंदर लड़की को चश्मे में देखते हो तो वो आपको हॉट लगती है ना। इसी तरह जब लड़की भी हमें चश्मे में देखती है तो उन्हें हम अट्रैक्टिव लगते हैं। नंबर टेन, दूसरों की हेल्प किया करो, क्योंकि
कि अगर कोई लड़की आपको दूसरों की हेल्प करते हुए देखेगी तो आप उसके नजरों में इंस्टेंटली अट्रैक्टिव बन जाओगे, चाहे आप जितने भी बुरे क्यों ना हो। पर किसी को अट्रैक्ट करने के लिए ही दूसरों की हेल्प मत किया करो, अपने लिए भी दूसरों की हेल्प किया करो, क्योंकि इससे आप अच्छा फील करोगे। तो ये थी आज की वीडियो। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप काले या सांवले हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बगल में घंटे को भी दबा देना, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो जिससे कि हर काले या सांवले लड़के की मदद हो सके। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट जरूर करना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए लड़की को पटाइए मत, उसे अपना दीवाना बनाइए।